इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, अरे बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे। सरकार के शरबत का वक्त हो गया है। अब लाया शरबत, तेरे शरबत के इंतजार में राजेश खन्ना का पूरा गाना गा लिया। अगर और थोड़ी देर नाश्ता तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था मेरे को। ग्लूकोज की क्या जरूरत है सरकार, शरबत जो आ गया है ना। अरे वो बुझते हुए चिराग उल्टे सीधे जवाब देगा ना तो फूक मार के बुझा दे तो समझा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आजकल रातों को बहुत सोरा करते। गुस्ताखी माफ सरकार, रात होती है सोने के लिए। जवाब दिए बगैर नहीं रह सकता हा? बड़े लोग कुछ बोले तो खामोश सर झुका के सुन लेना। रात सोने के वास्ते होती मेरे को भी मालूम, मगर हमारे जैसे नवाबों के वास्ते, तेरे जैसे गुलामों के वास्ते नहीं, समझा। आइंदा से अगर रातों में सोएगा तो कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे लगा दे तो, वो भी नाइट शिफ्ट में। अब बैलों के जैसा सर न को हिला, हुका दे। फिर शेरवानी जला दिया। जब भी तेरा पिछला हिसाब क्लियर होने वाला रहता तो कुछ ना कुछ नुकसान करके नया खाता खोल लेता। ये इस्तेरी का काम दूसरों से करा लो। पिछले 5 साल से खाली इस्तेरी पे रख दिया काम सिखाते बोल के, सामने के लौंडे कारीगर बन गए। और ये उन लोगों का कारीगर बनेंगे, उन लोगों के ऊपर का माला तुम जैसा खाली नहीं है उसमें भेजा है। अब इसको देखो, सदा ओंगते रहता। फुड़क मुर्गी क्या वर्षा, फुड़क मुर्गी किसको बोले, मर्दों में मुर्गा बोलो। और क्या बोलना रहे तेरे को, पीपे बैठ। मजबूरी का फायदा उठा रहा साला। इन्हें पिछले जन्म में गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकर, इसके वास्ते ऐसा है। नुकसान भी भरो फुकट में, तुम्हारे भैरिया भी खाओ। आइंदा से भैरिया मारे तो चालाना नहीं मारना, पहले बोल दे रहा मैं। चलो खामोश काम पे लगो, जहांगीर नवाब की शेरवानी जल्दी रेडी करो। चालाना मार के फकीर भीख मिली तो खुश हो जैसा खुश होता। इसकी यही हरकतों की वजह से इसके पास से चोरी करे तो मेरे को बुरा नहीं दिखता। अरे ओ झिंगे, गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा, ये पार्किंग नहीं है। कस्टमर के वास्ते पार्किंग कहाँ है। किसका कस्टमर है तू, आपका ही कस्टमर हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल यहाँ सिर्फ खानदानी नवाबों के शेरवानियाँ सिलते, तू कौन से खानदान का है रे। शेरवानी सिलाने आया, कोई रिश्ते की बात करने नहीं आया, आप कौन से खानदान के बारे में पूछ रही। अरे वो नीके खानी के सुखे खजूर, यहाँ खानदानी लोगों के शेरवानियाँ सिलते, तेरे जैसे फटी चोरों के नहीं, चल जा। आप अच्छे सीते बोल के आया तो ऐसा डिमांड कई को दिखा रही। अच्छा सीटी है, अरे 5-स्टार होटल में भी अच्छा खाना मिलता है, कभी वहाँ जाके खाया। नहीं खाया। इससे पहले के कोई और नवाब आया तो यहाँ से चले जा, चले जा, चले जा। अब शादी की शेरवानी कहाँ से लाना की। अरे वो झुंगूर गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। अब जान दो भाई, अब रेडीमेड ही ले ले तो। अरे 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 आइए चले जा, चले चल, आइए 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 नवाब साहब अभी। बीमार कमजोर नातवान, तेरे को चलने नहीं आया तो एक जगह बैठे रहे। अभी सरकार आपके आने की खुशी में मैं उछल पड़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या खूब बहाना है। अब ये शेरवानी का क्या करेंगे। अजी सरकार शेरवानी का आप बेफिक्र रहिए, मैं ट्रैकिंग में आपको बुला के ले देता हूँ। तो वो कौड़ी के दर्जी, तू हमारी शेरवानी ड्रैकलिन में धुलाएगा। तेरे को मालूम है हमारे कपड़े लंदन में धुलते हैं, वो लंदन कहाँ है तुझे पता है। ये
ये सब ये दोनों फ्लासियों की तरफ से हुआ। ये लोगों का सुबह सुबह में फ्लास मुंह देखा ना, आपका नुकसान हो गया नवाब साहब। अरे ये क्या लेबर गले पड़ू, इंडिया में अच्छा तो टीवी का खुसर करते। चलो नाला आखो काम करो, ये हमारी शेरवानी को लंदन के ड्रैकलिन में धुलवा के मंगाओ। और वो पुरानी शेरवानी का क्या हुआ? हाँ सरकार, मैं कल पहुंचाऊंगा। मैं आप बेफिक्र रहिए, कल तक मिल जाएगी। शर्फू मियां, वैसे तो तुम्हारे जैसे छोटे आदमी को हम अपनी दहलीज पर भी कदम रखने नहीं देते, मगर तुम्हारा छोटा खानदान बरसों से हमारी खिदमत करते आया है, इसलिए तुम मेहमान की तरह नहीं खिदमत गुजार की तरह हमारी दावत में शरीक होना चाहिए। सरकार का इकबाल बुलंद हो, सरकार ने हकीर को इस काबिल समझा। ठीक है, ये शेरवानी हम भिजा देंगे। शर्फू शुक्रिया, खुदा भी। चलो रे काम करो, चलो काम पे लगो। क्या कुत्ते की जिंदगी है उस्ताद, ना इज्जत है ना पैसा है। वो नवाब को देखो, पेट पे से जान कुर्बान है बोल के, फिर भी हर चीज खाने को तड़प रहा, अपनी किस्मत में जहर भी नहीं है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है रे, अच्छा खाना नसीब नहीं है तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहत तो है। चल कभी ठाठ किला सुन से बालकनी में आते की। जेब में 60 रुपए है तो बोल, अब भी तेरे को बालकनी में बिठाता हूँ समझा। मगर तेरे जैसे लोग बालकनी में बैठे तो वहाँ भी सीटियाँ मार मार के बालकनी को थटखिलास कर देते। चल लावारिस, मैं वह बैल के जैसा मेहनत कर रहा हूँ, तू या कुत्ते के जैसा लौट रहा, शर्म नहीं है तेरे को? ये धूप में काम नहीं होता, अपने से दूसरे नौकर को देख लो, वैसे भी हल बैल चलाता, ये शेर नहीं। अरे वो धुमकट्टे शेर, इसके वास्ते आपकी बात, तेरे को इलेक्शन में ठहरा रहा हूँ मैं। वो कैसा इलेक्शन में ठहराया तो अपोजिशन वालों से कम तेरे अम्मा कौन थे, बाबा कौन थे, पता तो चलेगा। का टाइम होगा इसका पता नहीं। आ गए तुम, दुल्हन के जैसा तैयार हो गए, तुम्हारे तो मजे चल रहे, पैरों को मेहंदी भी लगा लेना था। मैं भी कोई ऐश नहीं कर रही हूँ, दिन रात तुम्हारे घर के पीछे घसे जा रही हूँ। क्या है कि तुम्हारे बात, तुम ना लड़ लेते रहो, मैं खा ले गया तो। अरे ठहर अनाज के दुश्मन, तू खा लिया तो मेरे को क्या बचेगा। चलो तुम भी खा लेना था। ऐसे रुके बने से बोले तो ना फकीर भी नहीं खाता, वैसे भी मैं खा कर आई। अच्छा हुआ ना आप खा के आए, जो नहीं तो मेरे खाना कम पड़ा था। अनवर से बात हो गई मेरी, दुबई का वीजा आने वाला है, आते निकलना है। जो बैल अपने गांव में नहीं बिका, वो दूसरे गांव में क्या बिकता की। इसके वास्ते तुम्हारे को टीवी ज्यादा नको देखो बोलते, ये टीवी देख देख के चुरके देने वाले बात बहुत सीख रहे तुम। बस है। मैं जा रही हूँ, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा। भाई अब सख्त आराम की जरूरत है, फुल खा लिया मैं। जब से क्या कर रहा था रे बैल, चल काम बहुत है। उस्ताद अपन लोग पढ़े लिखे होते तो छोटू मास्टर की गुलामी से तो बचते, डॉक्टर टीचर कम से कम पुलिस वाले तो होते। क्या फर्क पड़ता रे, डॉक्टर आ रहे थे तो मरीजों को लूटते थे, टीचर रहते तो तालीम बेचते थे, पुलिस में रहते तो रिश्वत खाते थे। जब पढ़ लिख के भी यही काम करना है तो खाली पीली पढ़ाई का नाम कहीं को बदनाम करना रे। तुम्हारा इरादा कहीं चोरी करने का तो नहीं है ना? बिल्कुल है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और महान गायक किशोर कुमार एक जगह बोले, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। अगर अपन ऐसा नहीं करे तो आने वाली नस्ल अपन दोनों के ऊपर थूकेंगी। चल दुकान पे एक नजर डालेंगे, कुछ तो भी मिलता देख। ये चार खंदिल के पास क्या मिलता भाई, सिवाय सुई और तागे के। ये तो बैल की कुप्पी है, क्या है कुछ भी नहीं है। पीछे मशीन में कटा रखे हो, जल्दी आ। ये देख नवाब की झूठी शान, नवाब शहबाज जंग की शेरवानी का बटन, सुबह नवाब साहब के पास लिया के दे देंगे, अच्छा इनाम मिलता अपने को। खामोश बैठ, उन्हें जो इनाम देंगे ना उसमें आधा किलो आम भी नहीं आते,
यही अगर अपन ले जाके दिलावर खान के बाजार में बेचे तो एक आम का झाड़ खरीदे उतने पैसे मिलते, समझा? क्या चीज मिली समझ रहा तू? अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। है और भी दुनिया में चोर उचक्के बहुत अच्छे, कहते हैं कि अकबर बिरबल का है अंदाज ही कुछ और। आओ, बहुत दिनों बाद हमारे दरबार की याद आई। अब रोज रोज आपके दीदार करे जैसी हमारी किस्मत कहाँ है भाई, बरसों में एक बार चांद ग्रहण सूरज ग्रहण को देखे जैसा आपको देख लेते। समझ के बाहर है मियां तेरी बात है। खैर क्यों आया बोल? एक छोटा सा नजराना लाए थे आपके वास्ते, कबूल कर लिए तो इनायत होंगी। ना मुगलों की सल्तनत बाकी है, ना आला हजरत की हुकूमत बाकी है, शान तो सारी खत्म हो चुकी दिलावर, ये एक शेरवानी का बटन बाकी है। वाह वाह, क्या बात है भाई। शबनम के खतरों से प्यास नहीं बुझती मियाँ, एक आध बड़ा हाथ मारो ताकि हम तुम्हें एक ही झटके में बड़ा बिजनेसमैन बना सकें। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। नवाबों के माल पे अच्छी हाथ की सफाई दिखा रहे हो। हाथ साफ नहीं कर रही बल्कि उनके माल को चोरों से बचा के हिफाजत से आप तक पहुँचा रही। ये लो, साइज देखो तो लगता है कि अभी पूरे बने भी नहीं थे मियाँ, टटोलने की नौबत है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी। ऐसी बात नहीं है भाई, हम पैदा हुए जब कॉम्प्लेन मार्केट में नहीं आया था, नहीं तो हम लोग अभी 6 फुट के नौजवान होते थे। क्या रे? अब ज्यादा बात मत कर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, चल निकल ले यहाँ से। जी शुक्रिया भाई। मुन्ना मनोड़ो को पटनम के लिए फोन చేసిండు, ఆడ బిఎం కొనికపోతే చానా అగ్గో చెప్తున్నారంట, మన తన ఒడ్లు చూస్తేనేమో సస్తాలు అడుగుతున్నారు. అయితే ఎట్లా బతుకుతాం కాక? నమస్తే సర్పంచ్ సార్. నమస్తే. రేయ్ ఇదరా, క్యా రే టిప్పు, పుకట్ మే జీనే కా ఇరాదా కర్ లియా క్యా? కై కో ఐసా బోల్ రే సర్పంచ్ సార్, కై కో ఐసా బోల్ రహా హూ, పూరే గాంవ్ సే కంప్లైంట్ ఆ రహే తేరే ఉపర్, దూధ్ వాలే సే పుకట్ మే, పాన్ కే డబ్బే వాలే సే పుకట్ మే, ఔర్ కిసీ సే ఉదారీ మే, కబ్ తక్ కర్తే రహతా రే ఐసే కామా, కబ్ సుధర్తా రే? शर्म कर, शर्म कर। चेस, चेस। वो खराबात की जमीन का क्या हवा? उसी की बात चल रही है। अच्छा। काम हो जाए। तो वो 10 करोड़ की बात कर लीजिए, कल ही एडवांस दे लीजिए। वाह, क्या झूमर लगाया भाई, शहर के पूरे अय्याशखोर यहीं दिख रहे मेरे को। वाह, क्या पैसा लुटा रहे हो सत लोगा। मेहनत से नहीं कमाए रे, मेहनत से कमाए तो ऐसा नहीं लुटाते। वो सब जान दे मैं नवाब तो दिख रहा हूँ ना, पूरे नवाबा पानी भरना तुम्हारे सामने। ऐसा बोलता, चल आज तेरे को पार्टी दे दो। इल्लों से अच्छी तो हमारे उस्ताद की दिख रही शेरवानी। अरे लीजिए ना साहब, अन्ना शरबत चारों के हाथ से। अरे क्या बड़ा आदमी निकला भाई नवाब, शाहरुख खान को वेटर रख लिया। और फिल्मा नहीं चल रही ना आजकल, पब्लिक सिर्फ हैदराबादी कॉमेडी होने पड़ रही, समझा? मैं सुना ऋतिक रोशन काइट्स के बाद पतंगा बेच ले रखे थे। ऐसा? और कुछ चाहिए साहब आपको? अरे जरूरत पड़ी तो मंगा लेते शाहरुख भाई। मेरी शेरवानी? जरा मैं खाने को कुछ है क्या देख के आता हूँ। ये शेरवानी। अच्छा तुम्हें पसंद है? हाँ? तो हम तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हम चंगेजी खानदान के वारिस, तेरे से शेरवानी पूछेंगे? योर हाइनेस, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की क्या? ये आदमी हमसे हमारी शेरवानी मांग रहा है। हाँ? जबकि हमने इसे कह दिया है कि हम ये शेरवानी तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हाँ? मगर नए फकीर को भीख की जल्दी, तो इसे भी जल्दी है। ये शेरवानी हमारी है, हम छोटू दर्जी को दिए थे ड्राई क्लीन में धोने के लिए। जरा सुनिए आप लोग, ये मेरे गरीब दोस्त को परेशानी में इतना भी याद नहीं कि दर्जी के पास शेरवानी सिलाने के लिए दी जाती है, धुलाने के लिए नहीं। चलिए, ये आदमी आपको पागल कर देगा, आइए। चलो उठो बा, नवाब शेर खान साहब बैठते। आप कौन से एरिया के नवाब है? बैगनपल्ली के नवाब है। ऐसे कैसे हो सकता, बैगनपल्ली के नवाब तो हम हैं, नवाब इकबाल खान रईसतौला। तो क्या बड़ी बात है, बैगनपल्ली में तुम्हारे सर के छोटे मोटे नवाब होते हैं। वहाँ के सब नवाबों को जानता हूँ लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। क्या हरकत कर रहे हैं ये अकबर बिरबल, बड़े लोगों की महफिल में आके क्या तो भी कर रहे हैं छोटे? नवाब साहब की शेरवानी उतार। तुम लोगों को मालूम रे, इतने गलतियों के बाद भी काम पे से कई को नहीं निकाला? लाइफ टाइम फ्री एक्टिवेट है बल्कि। नहीं बल्कि तुम लोग बेवकूफ है, बदमाश और चोर नहीं। मगर आज जो हरकत करे ना उसे नवाब साहब तो क्या, मैं भी माफ नहीं कर सकता।
तुम लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया रे, उठ गया। भरोसा उठ गया तो फिर हमारा हिसाब करके भेजा दो ना। काय का हिसाब पूछ रहा रे? हाँ, पिछले 5 साल का। आज जो हरकत करे ना पार्टी में, और साथ साथ जो है शहबाजन के बटन की चोरी का इल्जाम उल्टा तुम लोगों के ऊपर 15,000 रुपए चढ़ गए रे। अब घस लेते रहो, घस लेते रहो। क्या रे, ससुराल वाले घरदामा से फुगट में कामा करा जैसा कामा करा आपने से? ससुराल वाले तो भी बेटी को देके कामा करा थे, यहाँ तो वो भी नहीं है छिटकू के पास ये। मगर अपन भी घरदामा सौदे में से पैसे चुराए जैसा इसके कितने की चीजा चुरा लिए, मगर इसको एक ही काम पे लगो। चलो चल, ढीला रेस हो जा रहा, हंसने बोल के चलाना मारेंगे। इतने छोटे काम के लिए आपने क्यों जहमत गवारा की? अगर आप हुकुम करते तो हम खुद हाजिर हो जाते और बटन टाक देते। हम चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं, और पहली बात तुम ये हम मत बोल, छोटे लोगों के मुंह से हम अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये शेरवानी के बटन इतने महंगे हैं कि हम खुद अपनी मौजूदगी में टकवाने आए हैं। ठीक है, नवाब साहब की शेरवानी के बटन जल्दी जल्दी टाको रे। मारे तो टाका नहीं तो फाका है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने को सा। मैं पेशाब करके आता हूँ, जा तू टाक के रख। अरे तू निकलो जी, मैं आ रहा हूँ। चलो तू रुपये कर दिया देख मैं। ठीक है सर। छोटू चिराग या मोमबत्ती जलाओ। अच्छा सरकार। चल बेटा बिरबल यहाँ से निकल ले। अरे ओ मोटू मेरी शेरवानी दे। अरे मेरी शेरवानी दे। छोटू मिल गई। क्या मिल गई? गाड़ी की डब्बी। अरे मेरी शेरवानी। शेरवानी तो हाँ, अगर मेरी शेरवानी नहीं मिली तो गोली मार दूंगा। उस्ताद तुम वीरप्पन की गैंग में थे क्या? जंगल के पूरे रास्ते मालूम तुमको? उस्ताद के साथ रह के अब चोरी भी सीख गया, आगे क्या क्या सीखना पड़ता कि अब। उस्ताद छुपने के आवाज़ से ये भूत पगला मिला तुम्हारे को? ऐसे जगह सेफ है तेरे, यहाँ पे सिवाय शैतानों की और कोई नहीं आता, समझा? अब डर रखो, आ खतरा टले तक ये भूत बंगले को अपना घर समझ। चल कहीं को डर रहा, मैं हूँ ना। अहिले गले में ताबीज भी नहीं है, जिम में पलीता भी नहीं है, कहाँ फंस गए रे भैया। वाह उस्ताद, जरा हीरा निकालो ना, देखेंगे मेहनत का फल कैसा रहता है। ये देख, अब ज्यादा ना को देख, ज्यादा घुरा तो फूट जाएगा, तेरी नजर अच्छी नहीं है। एक दो दिन में सौदा करके दूसरे सिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, समझा? उसके बाद लाइफ फुल एंजॉय करेंगे। तब तो फिर मैं जिम ज्वाइन करके दुबला हो जाता। ऐसा फिर तो फेमस हो जाता तू। वो कैसा? देख अब तू जिम ज्वाइन करके दुबला हो गया समझ, हाँ? तो जिम वाले क्या करते, तेरी फोटो निकाल के सुलाब कॉम्प्लेक्स पेशाब खानों पे लगा देते और नीचे लिख देते बिफोर आफ्टर। क्या बेइज्जती करते हो उस्ताद। अच्छा चल जान दे, सो जा, आज के बाद बड़े बड़े ख्वाब देखना है अपने को। चाहते हैं तो पूरे भूतों के ख्वाब आते। ये पेट की आग हीरे मोती से नहीं बुझती उस्ताद, कुछ खाने का इंतजाम करो। खामोश बैठ, तेरी ये गेंडी जैसी चर्बी को 40 दिन खाना नहीं मिला भी तो फर्क नहीं पड़ता, समझा? तुम तो चाह रहे होंगे मैं मर जाना बोल के, पूरा माल अकेले हड़प लेने को। वैसी बात नहीं है रे, मैं सोच रहा हूँ इतना सारा माल एक साथ देख के कहीं दिलावर शैतान तो नहीं बन जाएगा। पैसा बहुत बुरी चीज है उस्ताद, अच्छा खासा इंसान भी शैतान बन जाता, उन्हें तो पहले से ही शैतान है। एक काम करता हूँ, ये हीरा ले जाके उसकी नियत आजमा के आता। मैं भी चलता हूँ ना उस्ताद, ये शेरवानी पहन के बाहर ठहरता हूँ। चुप बैठ गेंडे, ये शेरवानी है, गौ तखिए का खिलाफ नहीं है। तेरे आंग पे अगर कोई ये शेरवानी देख लिया ना, 25 लाख क्या 25 रुपए भी नहीं देता, समझा? और सुन, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, क्या बोल रहे हो? तुम भी आए तो नहीं खोलना। अरे हौले मल्लू, मैं आए तो खोलना, दूसरे आए तो नहीं खोलना। एक काम कर दो, मैं कोड वर्ड यूज करता हूँ। क्या कोड वर्ड यूज करते? खुल जा सिम सिम, ऐसा कोड वर्ड यूज करता हूँ जब खोला, समझ गया ना? अब तुम आए थे टुट्टी खबर में, मैं अकेले रहना? हर इंसान अपनी खबर में अकेले रहता रे, आप खामोश मेरे आने तक इंतजार कर, खुदा हाफिज। देखे हैदराबाद उतरते ही बिरयानी की खुशबू आ रही। चल तेरे को फैमिली पैक खिलाता हूँ। चल
कहा गुटका दे भाई। ये गुटके खा खा के मुंह पूरा उगालदान बना लिया, और थोड़े दिन खाया तो मुंह सुलाब कॉम्प्लेक्स बन जाता। मुंह अल्लाह का दिया हुआ है, ऐसे गंदे मिसाला नहीं देना। और ये अल्लाह मियां भी मुंह पाक साफ चीजा खाओ बोल के दिया, खैर खाओ बोल के नहीं दिया। पैसे दे वो भी मैं दूं क्या बैल? देख रहे नवाब साहब कैसा घूर रहे हैं, देखो बेशर्मा, तेल लगा के बाला चिपका लिए तो नहीं पहचानते समझ रहा? अरे नमचूरी नमचूरी जी भाई, इन दोनों को गाड़ी के अंदर डालो। अरे 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 तुम लगा, अरे शेरवानी अभी खड़ा कर बैठ जा, छोड़ अरे ने वही जुमला गाड़ी में बैठ जा, कहीं गाड़ी में बिठा रहे गाता भी लेके जा रहे। अरे मेरे प्लेन का टाइम हो रहा भाई, अरे गाता भी लेके जा रहे तू लगा। हां अरे कई दिनों से कोई कीमती माल भी हाथ नहीं लगा, धंधा मंदा चल रहा है, इससे तो बस क्रैप का धंधा। दिलावर भाई आज एक ऐसा आइटम लाया हूँ जिसको आज तक आपके बाप दादा भी नहीं देखे होंगे। छोटे धंधे में बाप दादा को बीच में नहीं लाते। माफ करना दिलावर भाई, छोटा आदमी हूँ ना, खुश होने भी नहीं आता। चल माफ किया, बोल क्या लाया? चीज लाया है इसको खुद नहीं मालूम होगा। कॉमन आइटम है। क्या बात कर रहे हैं दिलावर भाई, खानदानी नवाब की शेरवानी की जीनत को कॉमन आइटम बोल रहे हैं? पूरा सेट है तो बोल, 2.5 लाख देता हूँ। 5 लाख की पार्टी को अपन पीठ दिखा के आ गए। चल बैठ के बात करेंगे। तो आजकल पार्टियों के पास भी जा रहा बोल। पूरा सेट ला, 5 लेके जा। क्यों रे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है दिलावर भाई, उसूल भी तो कोई चीज है, है? मैं सेट लेके आता हूँ। साला सूरत से तो खेत लाए लेकिन काम लाखों का कर दिया। जा रहे इसका पीछा करो और देखो माल कहाँ छुपाया। कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। दिलावर अगर 5 लाख बोल रहा तो ये हीरे कम से कम 25 लाख के हैं। आज अपन संजय दत्त के जैसा बड़ा हाथ मार लिए। छोटू नवाब आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जल तू जलाल तू आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बोला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बोला को टाल तू। अरे हैबस से मर गया क्या गुल्लती पोटा? कौन है? अरे गोल्डन भूल गया मैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। उस्ताद ही चुन गए। किस्मत की खोटी, जहाँ जाओ प्याज रोटी। अब क्या हुआ? अरे हीरे देखते ही दिलावर की नीयत खराब हो गई, अनाकोंडा के जैसे आदमियों को पीछे लगा दिया। एक काम करेंगे, आज रात यही गुजार लेंगे, कल सुबह शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। अब फिर भूखे पेट सोना है? अब गम खा और आंसू पी, समझा? कल सुबह मैं तेरे को मुरख की नारी खिला दूँ। चल दम गए बस से पानी डालते। चार मीनार ये बैग में नहीं आता। अबू कहाँ चले गए थे आप? टीपू चाचा फोन नहीं करना। हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? और ये क्या सूरत बना के रखे रहे मनु सूरत? चाचू भी है क्या है रे साले, स्टाइल भी बदल दिए। कौन तो भी है लोगा? क्या है कि उस्ताद समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। कौन है आप लोगा? कौन है? दिमाग की बीमारी लग गई क्या? भूल गए ऐसी छोटा रे, शहर की हवा खाने से सांड भी बैल हो जाता। चलो चलो मैं समझाता हूँ, गांव को ले जाके तुम लोगों का ऐसा इलाज कराता हूँ, ऐसा इलाज कराता हूँ, आवाज नहीं करना। चलो अंदर, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी दिख रही है। अरे रास्ते तमाम पूछ रहे हो, कौन तो भी आप लगा बोल रहे कहीं कुछ भी, पूरे के पूरे खामोश बैठे हुए। ठहरो भाई, अरे बैग को ले जा रहे भाई हमारे अंदर। क्या है मियां कई को परेशान हो रहे? तुम्हारा बैग तुम्हारा बीवी लेके जा रही ना। अरे ये क्या सिस्टम है,
कौन बीवी किसकी बीवी? क्या हुआ रे तेरे को, कहीं को ऐसा कर रहा? अब देखती हूँ ना ये दुबई कैसे जाते हैं। अम्मा जिसके लिए तुम इतने दिन से परेशान है, तुम्हारे को मालूम उन्हें क्या बोल रहा? हाय अल्लाह, क्या बोल रहे हैं? क्या है रे, दिमाग खराब हो गया? नहीं पहचानता तेरा बीवी को? अरे शहर से किसको भी उठा के लाके किसका भी मर्द बना देते क्या? ए मेरे परवरदिगार, ये सुनने से पहले मेरे को मौत कहीं को नहीं आ गई। चिल्लाने के वास्ते इतना बड़ा मौत दिया ना काफी है, जाओ मेरा बैग लेके आओ। चीचा कौन सा गाँव है ये? गुलटा से दिया ना मालूम ना, जो गांव में चड्डी पहन के फिरता था वो गांव भूल गया। मैं चड्डी पहन के फिरता था? उस्ताद ये खूनखार गांव दिख रहा मेरे को, जो मुसाफिरों को लाके लूटते। देखो ये टकला इनका सरदार दिख रहा। देखो सुल्तान, तेरे बीवी के साथ कोई झगड़ा है तो हम सुलह कर देते। इधर उधर क्या देख रहा मियां? ये सुल्तान कौन है देख रहा हूँ? सरपंच साहब, अभी मैं जवानी की 21 बहारें नहीं देखा अभी तक, और आप मेरे को दो बच्चों का बाबा बना दे रहे, क्या है? आए देखो आपा, हमारे को हमारा बैग लाके दे दो, जाना है। आप मेरे को आपा बोले? हाय अल्लाह, ये अभी मेरे को आपा बोल रहा, मैं तो बर्बाद हो गई। ये तो पूरा पागल हो गया। ये क्या कर रही है भाई? अब ऐसा नहीं होता, ये दोनों को रूम में डाल के बंद कर दो। अरे मैं शेर मार देते क्या भाई? अरे आ जाओ सदा, आ जाओ, घर में कोई भी नहीं दिख रहा, बैग तो लेके निकल जाएंगे। आ जाओ चल, पुराना गोदाम है घर ये, जल्दी झूले तो बैग मिल जाता भाई। अबा जितना टाइम अपन बैग ढूंढने में लगा रहे ना, इतना टाइम अगर इंडिया गरीबी हटाने में लगाता ना, तो आज अपन दोनों के दोनों चोर नहीं रहते थे, समझा? अब सुकून दिख रहा है। हाथ निकाल पीछे से, जब देखो हल्लाख में उंगलियां करते रहता, फिर ये इफ्लास हरकतों की वजह से आज इस मुश्किल में आके फंसे हुए अपन। चलो खाना, ले लो खाना। चिच्चा ये अकबर बीरबल दिखने में कैसे? तुम दोनों ही तो है। क्या तू भी बदकमा है रे, चार लोग एक सूरत के कैसा हो सकते? क्या हुआ, मिल गया? मिल गया नहीं, मिली। क्या तो भी मिली रे, ये तो अपन लोग ही थे ना रे। मगर मैं मर गया अभी तो ऐसा दक्षिणानु सीरीज स्टैंड ले रखता हूँ, फिर अपन कब खींचा रजिया पर बच्चों के साथ फोटो? फिल्मी फंडा दिख रहा है मेरे को, फिल्मों में डबल एडिंग होती। देखो फिल्मों में भी एक सूरत के दो आदमियां रहते, मगर दो सूरत के चार आदमियां कैसा रहते रे? क्या है कि उस्ताद, जब से कंप्यूटर का जमाना आया मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये अजब कंप्यूटर का गजब तमाशा दिख रहा। क्या है कि छोड़, कोई तो भी आ जाएंगे, टाइम नहीं है अपने पास, चल बैग ढूंढ के चल। फोटो देखे जब से दिमाग काम नहीं कर रहा, मोटा सेम मेरे सर का है और उस्ताद भी, समझ में नहीं आ रहा। देख क्या हो रहे हो दोनों चोरों को। आपके शहर की मेहमान नवाजी की तारीफ सुना था, मगर आपकी मेहमान नवाजी जेल से बदतर है। मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमानों के साथ होती है, तुम जैसे चोरों के साथ नहीं। क्या चोर चोर की रट लगाए साहब, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया मेरी। अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम मैं दुबई पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेहरबानी करो साहब, छोड़ दो हमारे को। अगर तेरे घर में शेरवानी है तो घर को फोन करके शेरवानी मांगा, और तुम लोग दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। साहब हम गाँव के मेहनत कश लोग हैं साहब, शेरवानी क्या, हम किसी की चड्डी भी नहीं चुराते साहब, मगर आप इंसान नहीं हैवान है साहब, और हमारी आजादी छीन लिया। अगर आप ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। अरे और कर भी कह सकते हो? रुको भैया, भैया रुको, मेरे सलीम को छोड़ दो, ये मेरे सलीम है, मेरे सलीम को छोड़ दो, मेरे सलीम को छोड़ दो, भैया छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो मेरे सलीम के साथ, ये मेरे सलीम है भैया, इनको छोड़ दो भैया। क्या उस्ताद बैग नहीं मिल रहा? और क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी।